जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। दो दिन पहले अंजू को उसके प्रेमी संदीप पटेल ने ही जिंदा जला दिया। दोनों के बीच 4 साल से अफेयर था। जाति अलग अलग होने के कारण उनके परिजन शादी को तैयार नहीं थे। इसके लिए परिजन लड़के की शादी दूसरी जगह कर रहे थे, जबकि प्रेमिका इससे खफा थी। उसने एक बार शादी तोड़वा दी थी। जब दूसरी जगह तय हुई तो शादी में भी अड़चन डाल रही थी, इसलिए उसने मंदिर पर बुलाकर प्रेमिका को जिंदा जलाकर मर्डर कर दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। SSP शिव हरे मीणा ने बताया कि 4 साल से संदीप और अंजू के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की किसी भी सूरत में संदीप को पाना चाहती थी। परिवार वाले संदीप की दूसरी शादी कर रहे थे, लेकिन अंजू को मंजूर नहीं था। 6 माह पहले संदीप की बांदा में एक लड़की सगाई हो गई थी। तब अंजू ने मंगेतर से बात करके सब कुछ बता दिया। इसकी वजह से उसका रिश्ता टूट गया। अब कुछ दिन पहले ही संदीप की दूसरी जगह शादी तय हुई थी, लेकिन अंजू ने कहा कि वो शादी नहीं होने देगी। इस बात को लेकर तनाव बढ़ गया। प्रेमी ने 19 अगस्त को मिलने के लिए अंजू को गांव के बाहर मंदिर के पास बुलाया। वहां पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जला दिया। 19 अगस्त की सुबह अंजू घर से गांव के बाहर एक मंदिर पर गई थी। थोड़ी देर बाद मंदिर के पास उसकी जली हुई लाश मिली। पिता ने संदीप पटेल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। खुद को बेगुनाह बताते हुए संदीप थाने पहुंच गया था। पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न स्तर पर लंबी पूछताछ के बाद आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया।